दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 फाइनल मुकाबला मैच खेला गया। इस मैच को भारत ने 168 रनों के अंतर से जीता। न्यूजीलैंड की टीम 66 रन पर ढेर हो गई। इस मैच में सुमन गिल ने शतक जड़ा, जबकि गेंदबाजी में कप्तान हार्दिक पांड्या ने कमाल किया। उन्हें 4 सफलताएं मिली। रनों के लिहाज से ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 का फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में भारत टीम ने के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सुमन गिल ने 63 गेंदों में 126 रन की तूफानी शतकीय पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 235 रन का विशाल लक्ष्य रखा, लेकिन कीवी टीम 66 रन पर ढेर हो गई। भारत को पहला झटका ईशान किशन के रूप में जल्दी लगा, लेकिन इसके बाद पावर प्ले में सुमन गिल और राहुल त्रिपाठी ने दमदार खेल दिखाया। भारत ने पावर प्ले में 1 विकेट खोकर 58 रन बनाए। राहुल त्रिपाठी ने 44 रन की तेज तरार पारी खेलकर 8 हुए। सूर्या ने भी एक तेज पारी खेली। वहीं सुमन गिल ने टी20 करियर की पहली 50 जड़ी, उसे उन्होंने शतक में तब्दील किया। हार्दिक पांड्या ने की एक तेज दरार पारी खेली। 235 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी न्यूजीलैंड की टीम को फिर एलन के रूप में पहली ओवर में झटका मिला। दूसरे ओवर में अर्शदीप ने डेविन कॉर्मे को चलता किया। हार्दिक पांड्या ने 4th विकेट भारत को फिलिप्स के रूप में दिलाया। न्यूजीलैंड को 5वां झटका देर से लगा, लेकिन फिर कुछ ही समय में बाकी के सभी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए।